वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी विद नेचुरल रेमेडीज। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सनटैन को रिमूव करने के लिए होम रेमेडी क्या है, जिससे कि हमें बाजार से महंगी क्रीमें भी ना लानी पड़े और हम घर पे उसका इलाज कर सकें। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल आइकन आएगा उसके भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सन टैन क्यों होती है? क्योंकि सन में रेसेज होती है यूवीए यूवीबी, जो कि हमारी स्किन को डैमेज करती है। उसकी वजह से हमारी स्किन पे डार्कनेस आ जाती है, जिसे हटाने के लिए हम तरह तरह की क्रीमें यूज करते हैं, जो कि बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होती है। मतलब होती भी है तो भी ज़्यादा वर्क नहीं करती है, उसमें केमिकल होते हैं। तो हम क्यों ना होम रेमेडीज यूज करें, जिससे कि इफेक्ट भी हो और साइड इफेक्ट भी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लेंगे बेसन एक चम्मच, क्योंकि बेसन में ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो कि सनटैन को रिमूव करने के लिए बहुत ही अच्छी होती है। बेसन हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ये स्किन को लाइट एंड वाइट एंड ब्राइटन भी करता है। उसके बाद आधा चम्मच हम इसमें लेमन जूस ऐड कर देंगे, और क्योंकि लेमन के जूस में विटामिन सी होता है जो कि स्किन को लाइटन भी करता है। उसके बाद आधा चम्मच हनी, और एक चम्मच रोज वाटर ऐड करेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। ये जो पेस्ट बना है ये हमारी स्किन की जितने भी टैन होगी हमारे फेस पे वो सब रिमूव कर देगा, और ये एक मक्खन की तरह सॉफ्ट फेस पैक बनेगा जो कि आपकी स्किन को लाइटन भी करेगा, वाइटन भी करेगा और ब्राइटन भी करेगा। तो इसके लिए इसे ट्राई जरूर करिए, और अभी मैं आपको इसका डेमो दूंगी, आप बने रहिए वीडियो में, मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको इसे यूज कैसे करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है जो अभी बनाया है, मैंने आपको दिखा दिया है कि आपको कैसे बनाना है, आपको इसे यूज करना है। ओके, इसके बाद आपको इसे 15 मिनट के लिए सूखने देना है, और फिर बाद में आप इसे स्क्रब की तरह सर्कुलर मोशन में निकाल लेंगे और फिर वॉश कर लीजिए नॉर्मल वाटर से, ठीक है। तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको। तो 15 मिनट वेट करने के बाद आप इसे इस तरह से फिर आप अपना फेस वॉश कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि पहली बार में ही कितना डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो आप इसे ट्राई जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। तो होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।